हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12,000 पेड टू सुदीप्ता वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट। मतलब सुदीप्ता अकाउंट को पेड किया गया है 12,000 रुपया, मगर वो चला गया है सुदीपा के अकाउंट में। तो बच्चों, इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मगर बच्चों, यहाँ गलती क्या हुआ है? सुदीपा अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, मतलब रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया है? सुदीपा अकाउंट डेबिट। अब इसको ठीक करना होगा, तो क्या करेंगे? सुदीपा को कम करना होगा, सुदीप्ता वैसे ही डेबिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे? सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू सुदीपा अकाउंट। तो मतलब जनरल में क्या लिखोगे? सुदीप्ता अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुदीपा अकाउंट 12,000। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर समझा देता हूँ एक बार कि 12,000 रुपया सुदीप्ता को पेड हुआ है, मगर वो डेबिट हो गया है सुदीपा के अकाउंट में। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? सुदीप्ता टू कैश होना चाहिए था, मगर क्या हो गया? सुदीपा अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो अब इसको घटाने के लिए क्रेडिट करना ही पड़ेगा, और सुदीप्ता वैसे भी डेबिट होता तो उसको डेबिट ही करेंगे। तो सुदीप्ता अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुदीपा अकाउंट 12,000। तो बच्चों, मिलते हैं अब हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको समझाएंगे एक नया क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से।